In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for the man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. जब वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है, तो घटना तब की है जब आदमी के लिए सारे जानवर एकजुट होकर काम करते थे. एक कैमल था जो कुछ भी नहीं करता था और वो हाउलिंग डेजर्ट के बीचों बीच रहता था. वो कुछ काम करना चाहता भी नहीं था. वो केवल स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था, प्रिकल्स खाता था, और जब उससे कोई पूछता था काम के लिए तो बस हम और कुछ नहीं बोलता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू अ हिम on Monday morning with a saddle on his back and said, camel look camel, come out and trot like the rest of us. फिर एक मंडे मॉर्निंग को हॉर्स आता और कहता है कि कैमल मेरी तरह आओ और काम करो जैसे मैं अपने से बैक पे सैडल लादा हूँ, अपने बैक पे बोझा लादा हूँ, तुम भी मेरी तरह वैसे करो. हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल क्या बोला? हम्प. घोड़े को गुस्सा आया और जाके उसने मैन से शिकायत की. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. डॉग आता है उससे काम के लिए, कहता है हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. डॉग भी जाता है और मैन से शिकायत करता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम with the yoke on his neck and said, camel oh camel, come and plow like the rest of us. ox bhi aata hai usse kaam karne ke liye, kehta hai to kehta hai hump, aur ox jaake fir man se kehta hai. At the end of the day the man called the horse and the dog and the ox together and said, three oh three, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work or he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. मैन सबको बुला के मीटिंग करते हैं और कहता है कि मुझे आप लोग के लिए काफ़ी दुख हो रहा है, पर वो हम्प जो है वो डेजर्ट में आके कुछ काम नहीं कर सकता है और मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूँ और अब आप लोग को काम डबल करना होगा. जिसे सुनकर तीनों को बहुत बुरा लगता है और तीनों गुस्सा हो जाते हैं. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing curd and laughed at them. Then he said hump and went away again. उन लोग तीनों मीटिंग बुलाते हैं, पंचायत बुलाते हैं डेजर्ट के एज पे, कोने पे, एक कोने पे, और वहाँ पे कैमल अपना च्यू करके हुए आता है, मुँह चलाते हुए आता है और उन लोग के ऊपर हंसता है और निकल लेता है. Presently there came along the jinn who was in charge of ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. सडनली वहाँ पे एक जिन जो कि पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था, डस्ट के रूप में डस्ट रोल करके आता है, उसी में जिन भी प्रकट होता है. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉट, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल? सडनली नॉट सेड द जिन. वेल सेड द हॉट, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड अ लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क since Monday. We won't trot. View, said the jinn whistling. That is my camel. What does he say about? He says hump and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. Jinn, सब तीनों कहते हैं जिन ओ जिन, हाँ क्या एक किसी जानवर के लिए आलसी की तरह बैठे रहना क्या शोभा देता है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं. कह डेजर्ट के बीचों बीच एक जानवर है जिसके लंबी गर्दन है, जिसकी लंबी टांगे हैं, और उसने मंडे से एक तिनका भी काम का नहीं किया है. जिन कहता है वो मेरा कैमल है. वो क्या कहता है बताओ तो? वो कहता है, तब शाल तीनों लोग कहते हैं, वो कहता है हम, हाँ. ऑक्स कहता है वो हम कहता है और वो खेत भी नहीं मेरे साथ जोतता है. कह आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कि मैं उसे देखता हूँ अगर आप लोग एक मिनट इंतज़ार करोगे तो.